देखिए जी, पहली तो बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन में जो प्रेसिडेंट है, बट ये आर्टिकल 45 में जो उनकी पावर है, ये इन तमाम चीजों से मुबर्रा इंडिपेंडेंट है ये, और है भी फेडरल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जब आपने फेडरल पार्ल को आपने ऑफ कोर्स डिसॉल्व। दूसरा, उन्होंने एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि जी आप बताएं कोई वोट नहीं दे सका और ये नहीं दे सका। उनको बताने का मकसद ये है कि वो आज यहाँ से वापस जाए, साहब से मुलाकात करें, जिन्होंने 18वीं तरमीम के टाइम पर तकरीर की हुई है और बाकी लोगों की भी, कि जनाब ये वोट तस्लीम होगा ही नहीं, कि एज इफ ये वोट हुआ है। ये जुडिशरी ने जब इसको फैसला दिया था तो उन्होंने लेजिस्लेटिव इंटेंट बताया था कि आपकी लेजिस्लेटिव इंटेंट ये थी, जुडिशरी ने खुद रिप्लेस नहीं की थी रीजनिंग। लेकिन वो आज ये कहा जाता है कि 63A की रीजनिंग देखें जी, वो जस्टिस साहब ने खुद अपनी रीजनिंग उसको रिप्लेस कर दिया। इट इज नॉट लाइक दैट, इट वॉज द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ दैट पार्टी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त थी, इनकी डिबेट्स मौजूद है वहां पर। बाकी जहां तक वहां तक इसकी डिबेट की बात है अबाउट इलेक्शन डेट, वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पास चीजें बड़ी आया और क्लियर है। प्रेसिडेंट की पावर अंडर आर्टिकल 45 इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, एंड ही कैन गिव अ डेट फॉर द इलेक्शन, ही मस्ट गिव दैट नाउ।